रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट ऑर्गन है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया जो होती है वो आपका लेरिंग्स के साथ में जुड़ती है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ट्रेकिया जो है वो आपका दो भागों में विभक्त हो जाती है और दो ट्यूब का आपका निर्माण करती है। तो जो ट्रेकिया होती है वो फ्लेक्सिबल होता है यानी लचीली ट्यूब होती है, मोबाइल होती है यानी ये मूव करती है आपका, और साथ में एक्सटेंड करती है आपका यानी ये शुरू होती है लेरिंग्स से और आपका इनटू द मीडियास्टिनम, जो मीडियास्टिनम आपका स्पेस होता है उसके अंदर आपका उपस्थित होता है। तो मीडियास्टिनम स्पेस जो है वो थोरासिक केविटी के अंदर जो जगह है उसको आपका मीडियास्टिनम स्पेस कह रहे हैं, जिसके अंदर विभिन्न जो आपका थोरासिक एरिया के जो अंग होते हैं वो आपका उपस्थित होते हैं। तो ट्रेकिया मीडियास्टिनम के अंदर आपका उपस्थित होते हैं। इसके आपका जो भित्ति है उसमें तीन आपके परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं आपका। तो कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर्स यानी कि भित्ति जो है वो तीन आपका परतों की बनी होती है। आपका अंदरी अंदर जो परत होती है उसको म्यूकोसा बोलते हैं, और म्यूकोसा जो होती है उसके अंदर आपका गोबलेट सेल्स होते हैं। गोबलेट सेल्स आपका म्यूकोसा आपका बनाने वाले श्लेष्मा बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, और इसके म्यूकोसा जो है वो आपका सीलिएटेड एपिथीलियम, और ये इसके ऊपर अस्तर जो उपस्थित होता है वो सीलिएटेड एपिथीलियम का उपस्थित होता है। म्यूकोसा के बाद है दूसरी जो परत होती है वो सब म्यूकोसा होती है। सब म्यूकोसा के अंदर आपका कनेक्टिव टिश्यू आपका उपस्थित होते हैं, और साथ में आपका स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। उसके बाद है सब म्यूकोसा के बाद है एडवेंसिया होती है। एडवेंसिया को आपका सिरोसा लेयर भी बोलते हैं, ये आउटर मोस्ट होती है, और आपका सी शेप, उन सी शेप रिंग्स होती है हाइलिन कार्टिलेज की, उनकी आपका बनी होती है। ट्रेकिया को आपका विंड पाइप भी बोलते हैं। विंड पाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हवा को आपका क्या करती है, आपका कैरी करती है लेरिंग से आपका नीचे की तरफ। उसके बाद जो ट्रेकिया के अंदर जो सी शेप रिंग्स होती हैं उनकी संख्या 16 से 20 होती है, जो हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। क्रिकोइड कार्टिलेज से ट्रेकिया आपका स्टार्ट होती है, और उसके बाद T5 थोरासिक आपका 5 जो वर्टिब्रा उसके लेवल तक आपका उपस्थित होती है। लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है जिसके मध्य भी आपका भाग के अंदर यानी सब म्यूकोसा के अंदर स्मूथ मसल्स एंड आपका कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो उपस्थित होते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया की और आपका देखें आपका संरचना के बारे में, तो ट्रेकिया आपका यहाँ पे देखिए आपका दिखाया गया है कि ये जो आपका ब्लू कलर का हाइलिन कार्टिलेज की आपके सी शेप आपका रिंग है उपस्थित है, इसके बाहर की तरफ ये आपका एडवेंसिया उपस्थित है। उसके बाद ये येलो कलर का आपका सब म्यूकोसा लेयर है, और सब म्यूकोसा के बाद में आपका म्यूकोसा आपका लेयर उपस्थित होता है या म्यूकस मेम्ब्रेन उपस्थित होता है। ये ट्रेकिया की ल्यूमेन है यानी गुहा है जहां से आपका एयर जो है वो आपका प्रवेश करती है। ये पोस्टीरियर भाग है, तो पोस्टीरियर भाग के अंदर यहाँ पे आपका इसोफेगस जो है वो उपस्थित होता है। ये इसोफेगस का आपका ल्यूमेन दिखाया गया है, और ये यहाँ पे मसल्स उपस्थित होते हैं। तो ट्रेकियलिस जो मसल्स हैं वो हैं, और ये आगे की तरफ आपका कार्टिलेज है। तो ये आपका अरेंजमेंट दिखाया गया है। कार्टिलेज जो होती है वो हाइलिन कार्टिलेज की ये रिंग होती है, सी शेप रिंग्स आपका उपस्थित होते हैं। साथ में ये जो आपका एपिथीलियम होती है वो सुडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम आपका उपस्थित होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सुडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम का अस्तर होता है ट्रेकिया के अंदर। और ये जो सबमिकोसा होता है उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, या फिर आपका ये जो ग्लैंड्स होती है वो बनी होती है गोबलेट सेल्स की, जो आपका म्यूकस को प्रोड्यूस करती रहती है और ट्रेकिया के अंदर छोड़ती रहती है। उसके बाद में देखते हैं आपका कंडक्टिंग जोन। तो आपका ये क्या होता है कंडक्टिंग जोन यानी ब्रोंकाई। तो केरिना के ऊपर एक आपका पॉइंट है आपका, तो केरिना के ऊपर जो लास्ट ट्रेकियल आपकी कार्टिलेज होती है, जो आपका मार्क होती है केरिना का, वहां पे ट्रेकिया खत्म हो जाती है और दो भागों में बंट जाती है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर। तो राइट एंड लेफ्ट जो ब्रोंकाई होती हैं उनको आपका प्राइमरी आपका ब्रोंकाई भी आपका ब्रोंकस भी बोलते हैं, और ये जो प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं ये एक आपका राइट लंग में प्रवेश करता है, दूसरा आपका लेफ्ट लंग में। जो हाइलम आपका रीजन होता है, क्षेत्र होता है लंग्स का, यानी कि एक आपका गड्ढे की जैसी संरचना होती है आपका लंग्स के आंतरिक भाग के ऊपर, जिसको हाइलम कहते हैं। हाइलम के द्वारा राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई है वो आपका लंग्स में प्रवेश कर जाते हैं। एयर जो है वो आपका जब ब्रोंकाई के अंदर पहुंचती है, इन ट्यूब में पहुंचती है ट्रेकिया के द्वारा, तो एयर यहाँ पे आपका वार्म होती है, क्लीन होती है, यानी कि एयर के अंदर किसी भी प्रकार के कण नहीं होते हैं, और साथ में आपका सेचुरेटेड विद द वाटर वेपर, यानी कि इसके अंदर आपका वाटर का कंटेंट उपस्थित होता है। और जो ब्रोंकाई होती है वो आपका लंग्स में प्रवेश करके आपका और डिवाइड हो जाते हैं, किसके अंदर आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, यानी कि आपका और ट्यूब बना देते हैं, और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो लंग्स के आपका प्रत्येक लोब के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो आपको पता होगा राइट लंग होता है उसके अंदर 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 आपका लोब होते हैं। तो जो आपका ब्रोंकाई है यानी आपका प्राइमरी ब्रोंकाई वो आपका लंग्स में प्रवेश करने के बाद में जो आपका राइट आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है वो तो 3 आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर विभक्त हो जाती है, और जो लेफ्ट है वो आपका 2 के अंदर आपका विभक्त हो जाती है। उसके बाद ये ब्रोंकाई है वो टर्सरी आपका ब्रोंकाई के अंदर आपका डिवाइड होते हैं। टर्सरी ब्रोंकाई टर्मिनल ब्रोंकाई
ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं। टर्मिनल आपका ब्रोंकाई जो होते हैं वो ब्रोंक्यूल्स का आपका निर्माण करते हैं। ब्रोंक्यूल्स आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का निर्माण करते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो है वो अल्वोलर डक्ट को आपका बनाते हैं। अल्वोलर डक्ट आपका अल्वोलर सैक के अंदर खुलती है, जिसके चारों तरफ अल्वोला ही आपका उपस्थित होते हैं। तो आपका जो एयर पासेजेस है, यानी कि ये जो एयर का आपका मूवमेंट का जो पाथवे है वो नीचे की तरफ आपका जाएगा, तो इसके जो ब्रांचेज होते हैं वो आपका बढ़ते जाएंगे और आपका 23 आपका ऑर्डर के अंदर आपका ब्रांचों के अंदर आपका विभक्त हो जाता है। और ये जो आपका ब्रांचे होते हैं, इनका जब नीचे की तरफ आपका ब्रांचिंग होगा तो डायमीटर तो कम होता जाता है आपका, तो साथ में आपका जो क्षेत्रफल है वो आपका बढ़ता जाता है और साथ में इनकी जो भित्ति है उसके अंदर भी आपका बदलाव होते जाते हैं। तो जो आपका टिश्यू वाल्स जो होते हैं वो ब्रोंकाई के वो लगभग ट्रेकिया के जैसे ही होते हैं, यानी कि जो ब्रोंकाई की भित्ति और ट्रेकिया की भित्ति लगभग समान आपका समान होती है। परंतु जो जो आपका कंडक्टिंग ट्यूब्स जो है वो नीचे की तरफ छोटी होती जाएंगी, उनकी आपका भित्ति के अंदर संरचनात्मक चेंजेस होते जाते हैं। तो जो कार्टिलेज होते हैं उसका जो सपोर्ट होता है वो कम होता जाता है। एपिथीलियम जो होती है उसके अंदर आपका चेंज होते हैं, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथीलियम है वो आपका बदल जाते हैं आपका इन विभिन्न आपका ट्यूब्स के अंदर। एंड जो आपका मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स, उनका जो मात्रा है अमाउंट है वो आपका बढ़ती जाती है। तो आपका कार्टिलेज कम होती जाती है, एपिथीलियम में चेंज होते हैं, स्मूथ मसल्स जो है वो आपका बढ़ती जाएगी। साथ में जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, तो ब्रोंकियोल्स आपका क्यूबोइडल एपिथीलियम उपस्थित होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड में नहीं होती है। और ये जो आपका हैव ए कंप्लीट लेयर ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल्स, इनके अंदर आपका ब्रोंकियोल्स में केवल स्मूथ मसल्स की आपका लेयर होती है, यहाँ पे कार्टिलेज अनुपस्थित होती है और जो कार्टिलेज है उसका सपोर्ट नहीं होता है। और साथ में जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स होती है वो भी आपका ब्रोंकियोल्स में नहीं होती है। तो ये आपका चेंज हो जाता है ब्रोंकियोल्स के लेवल के ऊपर जाकर के। उसके बाद में जो रेस्पिरेटरी जोन, तो रेस्पिरेटरी जोन आपका किसको कहते हैं, इसके अंदर आपका प्रेजेंस ऑफ एल्वोलाई एल्वोलाई उपस्थित होती है। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में खुलते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स वो एल्वोलर डक्ट का निर्माण करते हैं, देन टू टर्मिनल क्लस्टर ऑफ एल्वोलर सैक्स, और एल्वोलर डक्ट्स जो है वो आपका एल्वोलर सैक में खुलती हैं और जो आपका किसको बने होते हैं एल्वोलाई के। तो आपका जो लंग्स होते हैं उनके अंदर लगभग 300 मिलियन एल्वोलाई आपका उपस्थित होती हैं और जो लंग्स का आपका अधिकतर वॉल्यूम आयतन आपका बनाती है और ये आपका गैस जो है उसके आदान प्रदान करने के आपका सरफेस है, क्षेत्र है आपका। तो गैसेस का जो आदान प्रदान होता है वो एल्वोलाई के अंदर होता है आपका। तो यहाँ पे ये एल्वोलाई आपका दिखाया गया। तो रेस्पिरेटरी जो आपका टर्मिनल ब्रोंकियल्स जो है जो आपका किसका से आए हैं, टर्सरी जो ब्रोंकस है उससे। तो आपका टर्मिनल ब्रोंकियल्स जो है वो आपका आगे विभक्त हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स में। रेस्पिरेटरी जो ब्रोंकियल्स है वो आपका एल्वोलर डक्ट बनाते हैं, एल्वोलर डक्ट जो है वो एल्वोलर सैक में खुलती है जो आपका एल्वोलाई में खुलती है। तो आपका एल्वोलाई आपका उपस्थित है जो आपका स्मॉलेस्ट आपका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लंग्स के। तो ये आपका एल्वोलर डक्ट आपका आ रही है जो आपका किसका निर्माण कर रहे हैं, किसमें खुल रहे हैं, एल्वोलर सैक में, जिसके चारों तरफ आपका कप शेप आपका एल्वोलाई उपस्थित होती है आपका। ये देखिए आपका ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स है, ये एल्वोलर आपका डक्ट है, इस एल्वोलर डक्ट के आगे जाकर के ये एल्वोलर सैक में खुल जाती है, सैक के चारों तरफ आपका एल्वोलाई जो है वो उपस्थित होते हैं। तो ये एल्वोलर सैक है आपका, ये एट्रियम, एट्रियम कह रहे हैं एल्वोलर सैक को आपका, इसके अंदर आपका ये एल्वोलाई जो होती है वो जुड़ी रहती है। साथ में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है आपका, तो उसको आपका एयर ब्लड बैरियर भी कहते हैं। और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन यानी कि जो श्वसन झिल्ली होती है वो बनी होती है एल्वोलाई एंड जो कैपिलरीयां उनकी भित्तियों की, यानी एल्वोलाई और कैपिलरी वॉल्स जो है वो मिलकर के रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाती है और ये दोनों जुड़ी रहती हैं आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा या फिर आपका बेसल लेमिना के द्वारा। तो बेसल लेमिना जो है वो एल्वोलर और कैपिलरी वॉल की जो वॉल्स है उनका आपका जोड़ करके रखती है और आपका एयर ब्लड बैरियर का आपका निर्माण करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपका ब्लड है वो तो आपका कैपिलरीज में रहेगा और जो एयर है वो एल्वोलाई से आपका ब्लड वेसल्स में और ब्लड वेसल्स से आपका एल्वोलाई के अंदर प्रवेश करती है। तो ये ब्लड के लिए तो एक बैरियर है परंतु एयर के लिए आपका मूवमेंट होती है, एयर को आपका आने जाने देती है। एल्वोलर वॉल्स जो है उनकी तरफ से आपका कौन पार्टिसिपेट करता है इस बैरियर के अंदर, तो एल्वोलर आपका जो भित्ति है उसकी तरफ से सिंगल लेयर होती है आपका टाइप 1 एपिथेलियल सेल्स की, वो इसके अंदर उपस्थित होती है। और ये जो टाइप 1 एपिथेलियल सेल्स है आपका एल्वोलाई की वॉल के अंदर, ये आपका गैस एक्सचेंज जो है उसको सिंपल डिफ्यूजन यानी कि साधारण विसरण के द्वारा आपका अलाउ करते हैं। तो विसरण की क्रिया के द्वारा गैसेज जो है वो इन एपिथेलियल लेयर को आपका क्रॉस करके एल्वोलाई से आपका ब्लड वेसल्स में और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई के अंदर आपका प्रवेश करती है। साथ में ये जो आपका लेयर है आपका एंजाइम को सिक्रेट करती है जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग
एंजाइम बोलते हैं, एस एंजाइम बोलते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रण करने की एक मैकेनिज्म है जिसमें आपका भाग लेता है आपका। और साथ में आपका टाइप 2 सेल्स जो होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं एल्वोलाई की वाल के अंदर, जो सर्फेक्टेंट को आपका क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, स्रावित करते हैं। और ये जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो आपका जो लंग्स है उनका आपका टेंशन जो होता है प्रश्न तनाव उसको बनाते हैं, और जो एल्वोलाई होते हैं लंग्स होते हैं उनको आपका कोलेप्स नहीं होने देते हैं। तो सर्फेक्टेंट आपका उपस्थित होते हैं, और जो टाइप 1 जो सेल्स होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स हैं जिनके द्वारा विसरण की प्रक्रिया होती है, और साथ में जो एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम उसको आपका स्रावित करते हैं, और टाइप 2 सेल्स जो है वो सर्फेक्टेंट बनाते हैं। उसके बाद में आपका जो एल्वोलाई होते हैं वो आपका इलास्टिक फाइबर्स से आपका घिरी रहते हैं, और आपका कंटेंट्स ओपन पोर्स यानी कि आपका इनके अंदर कुछ छिद्र आपका उपस्थित होते हैं जिनके द्वारा पास की जो एल्वोलाई है उससे आपका जुड़ी रहते हैं, और एयर का जो प्रेशर है उसको लंग्स के अंदर एक समान आपका बनाए रखते हैं। जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो कोशिका इनके अंदर उपस्थित होते हैं, जो आपका सर्फेसिस जो होती है एल्वोलाई की उसको आपका स्टेराइल रखते हैं, यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के जीवाणु वगैरह आपका पाए जाते हैं तो उनको ये मैक्रोफेजेस एनगल्फ करके अंदर लेकर के उनको आपका नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो एल्वोलाई की जो आपका यदि संरचना देखें तो उनमें इलास्टिक फाइबर्स हैं जो आपका इनको कोलैप्स होने से बचाते हैं, एल्वोलाई के अंदर आपका ओपन पोर्स होते हैं जिनके द्वारा ये पास के एल्वोलाई से आपका कनेक्ट होती है, और एयर का जो प्रेशर होता है उसको लंग्स में एक समान बनाए रखती है। मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपका नष्ट करती हैं। उसके बाद ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आपका दिखाया गया है। तो देखिए एल्वोलाई जो है उस एल्वोलाई के चारों तरफ आपका क्या उपस्थित होती है, आपका ब्लड वेसल्स आपका ब्लड कैपिलरीज आपका उपस्थित होती है। तो ये येलो कलर के दिखाए गए हैं, ये तो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो एल्वोलाई को कोलैप्स नहीं होने देते हैं, और जो रेड कलर का ये जो नेटवर्क दिखाया गया ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये यहाँ पे आपका स्मूथ मसल्स आपका दिखाया गया। तो आपका देखें तो जो स्मूथ मसल्स है वो एल्वोलर डक्ट के लेवल के ऊपर उपस्थित होता है, एल्वोलाई के चारों तरफ आपका स्मूथ मसल्स उपस्थित नहीं होता है। तो एल्वोलाई के संरचना के अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं कि इलास्टिक आपका फाइबर्स उपस्थित होते हैं, और साथ में एल्वोलाई की भित्ति होती है, और उसके चारों तरफ आपका ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क जो है वो उपस्थित होता है। ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आपका दिखाया गया है। तो टाइप 2 आपका सेल्स जो होते हैं जो सर्फेक्टेंट को आपका सीक्रेट करते हैं, तो ये टाइप 2 सेल्स आपका उपस्थित होते हैं, और ये आपका टाइप 1 सेल्स होते हैं जो एल्वोलाई की वाल के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये एपिथेलियल आपका सेल्स होते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये एल्वोलस दिखाया गया है आपका, यानी कि आपका जो एक एल्वोलाई जो है आपका उसका जो ग्रुप होता है उसको आपका दिखाया गया। तो ये एल्वोलस है, ये एल्वोलाई के अंदर आपका बीच बीच के अंदर पोर्स होते हैं जिनके द्वारा पास पास की जो एल्वोलाई है उनसे आपका कनेक्टेड रहते हैं, और गैसेज जो होते हैं वो आपका इनके अंदर एल्वोलाई में फिल होते हैं। तो ये जो आपका फ्लैट जो सेल्स दिखाया गया है तो ये एपिथेलियल आपका सेल्स होते हैं। ये मैक्रोफेजेस कोशिकाएं हैं जो आप जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु वगैरह हैं उनको आपका नष्ट करती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज दिखाई गई हैं जो आपका ब्लड को लेके आते हैं। तो ये एपिथेलियल सेल्स आपका उपस्थित होते हैं। उसके बाद में आपका ये इस साइड से दिखाया गया कि ये रेड ब्लड सेल्स जो है वो उपस्थित है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तो यहाँ पे आरबीसी से जुड़ा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा एल्वोलस के अंदर आपका प्रवेश करता है, और जो ऑक्सीजन है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा आपका ब्लड कैपिलरीज के अंदर आपका प्रवेश करके आरबीसी के साथ में आपका जुड़ जाता है। तो आपका यहाँ पे जो आपका उपस्थित होती है कोशिकाएं एल्वोलस के साइड से वो आपका स्क्वेमस आपका एपिथेलियल सेल्स होते हैं, टाइप 1 सेल्स होते हैं। तो ये आपका एल्वोलर एपिथेलियम दिखाया गया है। उसके बाद में ये आपका यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन आपका उपस्थित आपका एंडोथेलियम आपका कैपिलरी एंडोथेलियम उपस्थित है, और इनके बीच में ये जो आपका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो उपस्थित है। तो यहाँ पे एल्वोलर एपिथेलियम एंड कैपिलरी एंडोथेलियम इन दोनों को जोड़ के रखती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये आपका तीनों मिलकर के आपका किसका निर्माण करते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा गैसेज जो है उनका आपका आदान प्रदान होता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो आपका लाइक करें, साथ में कमेंट दें फ्रेंड्स, और जो आपका हमारा जो चैनल है उसको आपका सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से सब्सक्राइब करें। अपने जो फ्रेंड्स हैं नर्सिंग के जो आपका कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारा वीडियो देखने के लिए रिकमेंड करें, हमारे वीडियो उनके साथ में शेयर करें। फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप और भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो दूसरे वीडियोस हम अपलोड करेंगे उनको आप देखते रहिएगा, और साथ में हमारी जो वेबसाइट है उसको आपका विजिट करके जो विभिन्न आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कीजिए, और आप जो एग्जाम है उसके अंदर आपका सक्सेस हासिल करें। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।